नमस्कार, मैं अधिवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर खलबली मची हुई, खलबली के बाद में सारे के सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एक होकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी के बीच में बहुत सारा प्यार है। और ऐसा इन्होंने बॉलीवुड के तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर, जैसे हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी तब भी पता चला था, और जिमी बम को वाइकआउट करने का एक अभियान चला सोशल मीडिया पर। उसके बाद अक्षय कुमार के प्रति तमाम जो पुराने और दूसरे एक्टर्स हैं उनका प्यार देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक दिखावा है ये शो करने के लिए कि ये सब के सब अंदर से एक हैं। पर वास्तव में ये कितना एक दूसरे से जलते हैं वो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन नया मामला जब आया, जब अजय देवगन का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो ये कहता है कि मैंने लक्ष्मीवन का जो ट्रेलर है उसको कई बार देखा है और इसमें अक्षय कुमार ने जो एक्टिंग की है वो सुपर्ब है। इसको लेकर अक्षय कुमार ने जवाब भी दिया और ये कहा कि अजय देवगन जैसे फाइन एक्टर्स की एक्टर की तरफ से इस तरीके की तारीफ मिलना खुशी की बात है। इससे पहले आमिर खान भी लक्ष्मी बम की तारीफ कर चुका है, उसको लेकर भी अक्षय कुमार ने आमिर खान की तारीफ की थी और ये कहा था कि आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे और आप फिल्म जरूर देखें। इससे पहले ऐसी घटनाएं देखने को कम मिलती थी, कम ही ऐसा होता था कि किसी एक एक्टर की फिल्म या उसके ट्रेलर के ऊपर दूसरा एक्टर इस तरीके की प्रतिक्रियाएँ देता था। पहले इनके बीच जो प्रतिस्पर्धा थी उसकी वजह से जलन और लड़ाई देखने को मिलती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद जिस तरीके से जनता ने इन लोगों का वाइकआउट करने का ऐलान कर रखा है, जनता इनके खिलाफ हो गई है, उसके बाद ये सब एक दूसरे की दुकान को चलवाने के लिए एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो पहले जब एक अपनी फिल्म का अनाउंस करता था, दूसरा भी उसी डेट के आसपास अपनी फिल्म रिलीज़ करने की बात करके उसको झटका देने की कोशिश करता था। लेकिन अब जिस तरीके से शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, अजय देवगन या अक्षय कुमार हो, संजय दत्त जैसे, रणबीर कपूर जैसे तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिख रहे हैं और इसको लेकर जनता के बीच भी एक गुस्सा है। तमाम लोग अब अक्षय कुमार से, अजय देवगन से और इन दूसरे बागड़ बिल्लों से यही पूछ रहे हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, दिशा सालियान की मौत हुई थी, पूरा देश जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कह रहा था, पूरा देश जस्टिस फॉर दिशा सालियान मांग रहा था और सीबीआई फॉर एसएसआर मांग रहा था, उस समय ये सभी के सभी बड़ बोले नट कहाँ पर थे, कहाँ पर छुपे थे? अगर ये अंदर से उसके पक्ष में नहीं थे तो कम से कम बाहर आकर एक दो बार किसी चैनल पर या अपने ही वीडियो में ये झूठी एक्टिंग करके भी ये दिखा देते कि हाँ, जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर दिशा सालियान, इन सभी के मामलों की जांच होनी चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, तो शायद जनता का गुस्सा इतना नहीं होता। लेकिन अब जब इन्हें अपना व्यावसायिक हित साधना है तो ये सारे के सारे आकर एक दूसरे की जो वाहवाही कर रहे हैं। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को रिपब्लिक टीवी ने उठाया था, उसके बाद दिशा सालियान के मामले को भी उठाया गया और फिर जब रिया चक्रवर्ती के माध्यम से सबको ये पता चला कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स बहुत बड़े नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, चरसी हैं और कोकीन के शौकीन हैं, तो उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं इकट्ठे होकर। उनमें अजय देवगन भी है, आमिर खान भी है, शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी है और अक्षय कुमार के अलावा करण जौहर जैसे लोग भी हैं, सलीम जावेद का पूरा घर है, उसके अलावा अख्तर यानी कि फरहान अख्तर का बाप जावेद अख्तर, उसकी बहन जोया अख्तर, ये सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं और याचिका लगाते हैं कि हमारे खिलाफ़ जो गाली गलौज की भाषा बोली जा रही है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और ऐसा करने वाले सभी लोगों को इस बात के लिए दंडित किया जाए। तो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब इन्हें अपना जो भविष्य है अंधकार में दिख रहा है और इन्हें यह लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो बॉलीवुड अब तक पूरे देश में विशेष तरीके के अंधविश्वास फैलाता रहा था वो नहीं फैला पाएगा। जी हाँ, मैं पूर्ण होशोहवास में बोल रहा हूँ कि अगर भारत में किसी ने सबसे ज़्यादा अंधविश्वास फैलाए हैं तो ये भारतीय सिनेमा ही है, खासकर हिंदी सिनेमा जिसे कहा जाता है बॉलीवुड का, ये अंधविश्वास फैलाने का एक सबसे बड़ा तंत्र है।
अंधविश्वास केवल पूजा पद्धति से रिलेटेड नहीं होता है, अंधविश्वास किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी ऐसी चीज़ को जो सच नहीं है, सच के तौर पर दिखाया जाए और बार बार महिमा मंडित किया जाए तो वो अंधविश्वास ही कहा जाता है। जैसा कि प्यार के मामले में तमाम फिल्में बनती हैं और उनमें जो जो बातें कही जाती हैं, प्यार की ताकत हो या इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ें हैं, ये सब के सब ब्लाइंड बिलीफ हैं, यानी कि अंधविश्वास हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। ये जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो अंधविश्वास की तरफ आपको धकेलती हैं, ये चकाचौंध की दुनिया दिखा देती है। एक गरीब आदमी का बेटा या फिर एक गांव का बेटा जैसे ही मुंबई पहुंचता है वो एकदम से खरबपति बन जाता है, जबकि हकीकत की दुनिया में ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, धीरूभाई अंबानी जैसे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कड़ी मेहनत और दिमाग चाहिए होता है। वो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे और उसके बाद वो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर देते हैं कि आज उनका बेटा भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बना हुआ है और उसकी जो संपत्ति है दिनों दिन बढ़ती जाती है। लेकिन इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पहले धीरूभाई अंबानी की मेहनत थी और बाद में मुकेश अंबानी की मेहनत थी। लेकिन फिल्मों में जो कुछ होता है उसका असर देश के ऊपर पड़ता है, युवाओं के ऊपर पड़ता है, और युवा अपनी पढ़ाई करने की बजाय, अपना करियर बनाने की बजाय वो इसी तरीके के सपने देखने लगते हैं। इसी तरीके से वो दो दिन के अंदर अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। और जिस तरीके से फिल्मों में दूसरी चीजें भी दिखाई जाती हैं, जैसे कि अगर कहीं किसी व्यक्ति की प्रेमिका को किसी ने रोक लिया है तो वो धड़ाधड़ कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है, बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, तमाम गोलियां चला देता है। लेकिन हकीकत में क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो युवा इससे सीख कर ऐसा करने की कोशिश करता है या तो वो अपराधी बन जाता है या फिर जेल में पहुंच जाता है। तो इस तरीके की जो बुरी चीज़ें हैं वो फैलाने के काम इन फिल्मों ने किया और उसी का नतीजा है कि आज समाज में भारत को जहां आगे होना चाहिए, भारत उस पर पीछे है। भारत को पीछे रखने में फिल्मों का ये जो ब्लाइंड बिलीफ है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिल्मों में, हर फिल्म में एक झूठी कहानी होती है और उस झूठी कहानी को भारत के जो कम उम्र के युवक और युवतियाँ होते हैं सच मान लेते हैं और उसी पर चलते हुए दिखाई देते हैं। जैसा अक्षय कुमार ने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था और ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मंदिर जाना बंद कर दें और मंदिर को जाने के लिए आप जो खर्चा करते हैं वो गरीब को दान करें। अच्छी बात है, गरीबों को दान करना चाहिए। हमारे मंदिर और हमारे शास्त्र भी यही सिखाते हैं कि दान से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर लोगों को मंदिर जाने से, खासकर मंदिर जाने से रोकने की बात कर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पर गलत भावना के तहत ऐसा कर रहे हैं। अगर अक्षय कुमार को यही बात रखनी थी तो वो कहता कि केवल मंदिर नहीं, कहीं भी आप गुरुद्वारा या गिरजाघर या फिर मस्जिद जाने के बजाय, वहाँ पर पैसा खर्च करने के बजाय आप दान करें। लेकिन इसमें वो गुरुद्वारे का नाम नहीं ले सकते थे, क्योंकि गुरुद्वारे में जाने वाला हर व्यक्ति दान करके आता है और वो अपनी कमाई का एक निश्चित प्रतिशत दान करता है। मंदिरों में भी लोग दान करते हैं, मंदिर जाने वाले लोग भी दान करते हैं, और मंदिर जाने में जो खर्च होता है वो ज़रूरी नहीं कि आदमी उसके अलावा दान न कर पाए। अक्षय कुमार ने एक उदाहरण दिया कि वो पहले वैष्णो देवी जाया करता था हर 6 महीने पर और इस दौरान उसके करीब 3 लाख रुपये खर्च हो जाते थे। तो उसने सोचा कि इस 3 लाख रुपए को मैं वहां जाने पर खर्च करने के बजाय मैं दान कर देता हूं, और इस तरीके से वो दान करने लगा। यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप मंदिर जाने में, यात्रा में, रहने में, खाने में जो खर्च करते हैं आप उसको दूसरी जगह दान कर सकते हैं। और सीधे तौर पर मंदिर जाने वालों के प्रति ही ये बात कहकर अक्षय कुमार ने ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की कोशिश की है। अगर अक्षय कुमार को ये बात रखनी ही थी तो उसे ये भी कहना चाहिए था जैसे मंदिर जाने पर लोग खर्चा करते हैं, वैसे ही जो हज पर खर्चा होता है उसको भी रोका जाए और हज पर होने वाले खर्च और हज पर खर्च होने वाली सब्सिडी को सरकार को गरीबों में दान कर देना चाहिए, गरीबों के भले के लिए दान कर देना चाहिए। लेकिन अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे लोग, आमिर खान और सलमान खान, शाहरुख खान वाले जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि भारत देश के तमाम जो भक्त हैं वो अपने मंदिरों में हजारों लाखों करोड़ रुपये सालाना दान करते हैं और उस दान का ज़्यादातर हिस्सा न तो उन मंदिरों के ऊपर खर्च किया जाता है, न कम्युनिटी के ऊपर खर्च किया जाता है जिससे वो आता है, बल्कि दूसरे पंथों और मजहबों की दीगर कामों के लिए, जिसका मंदिर से या उन भक्तों से, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, उनके ऊपर खर्च कर दिया जाता है। कभी भी उस पर अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे एक्टर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो मजहबी जो गैंग है बॉलीवुड के अंदर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और सिर्फ अपनी फिल्मों में या बाहर भी वो केवल मंदिरों पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय परंपराओं पर ही
अटैक कर सकते हैं, उसी पर प्रवचन दे सकते हैं जैसा कि अक्षय कुमार करने की कोशिश करता है, या दूसरे कपिल शर्मा जैसे लोग भी अपने शो के अंदर जिस तरीके से देवी देवताओं पर कटाक्ष करते हैं, उनके व्यवहार पर कटाक्ष करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उस पर चुटकुले बनाते हैं, फिल्मों में तमाम ऐसे दृश्य, जैसे आमिर खान की एक फिल्म आई थी पीके, उसमें कई सारे कटाक्ष थे, वो केवल और केवल हिंदू धर्म पर किए गए थे और दूसरे मजहबों को इससे अछूता रखा गया था। इसको लेकर जब पाकिस्तान में ये फिल्म रिलीज हुई थी तो बाकायदा वहाँ नोटिस में लिखा गया था कि इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आमिर खान ने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अच्छे व्यंग किए हैं। यानी पाकिस्तान इसी को एक विशेषता बताने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में बॉलीवुड गैंग इसी तरीके की बातें करता है। आप देखेंगे कि एक फिल्म में गाना होता है हवन करेंगे हवन करेंगे, हालांकि ये फिल्म एक फौजी के ऊपर बनाई जाती है, लेकिन हवन को जिस तरीके से दूसरी चीज़ों के साथ तुलना कर दी जाती है वो निश्चित आपत्तिजनक था। लेकिन इस देश का सहिष्णु हिंदू ने इस पर आपत्ति नहीं जताई थी क्योंकि वो फिल्म जो थी एक भारत के खिलाड़ी के ऊपर थी। दूसरी तरफ जो और फिल्में आती हैं उनमें जिस तरीके की बातें की जाती है, चाहे अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया की बात की जाए, उसमें भी जो कटाक्ष है वो पंडित के ऊपर किया जाता है, देवी देवताओं के ऊपर किया जाता है, लेकिन दूसरे मजहब के प्रति जिस तरीके की बातें अक्षय कुमार करता हुआ दिखता है वो स्पष्ट है कि चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे अजय देवगन हो, ऋतिक रोशन हो, रणबीर कपूर हो, ये सब के सब भी अपनी फिल्मों में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की तरह सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति पर कटाक्ष करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और भारतीय परंपराओं को गलत बताने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मजहबी परंपराएं हैं, जो विदेशी परंपराएं हैं, उनका महिमा मंडन करते हुए उसके प्रति जिस तरीके का एक भाव दिखाते हैं, जिस तरीके से लोगों को उनका प्रचार करते हुए नजर आते हैं, लोगों को उनके प्रति आकर्षित करते हुए नजर आते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह बड़ा नैरेटिव है जो बॉलीवुड के माध्यम से भारत में फैलाया जा रहा है। और यही वजह है कि बॉलीवुड के ऊपर दुबई जैसी जगहों से पैसा लगने या डी गैंग का पैसा लगने के आरोप लगते रहे हैं। सलमान खान की फिल्म में जिस तरीके से चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म आई थी उसमें भरत शाह के माध्यम से डी कंपनी का पैसा लगा था, तो ये सारे राज धीरे धीरे खुलते हैं, लेकिन जनता इस तरीके से कभी आक्रोशित नहीं हुई जिस जैसे इस बार होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये सारे के सारे बॉलीवुड के नट और बावड़ बिल्ले एक होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे की फिल्म को चलवाना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति उनके बीच अंदर में जो जलन थी, जो ईर्ष्या थी, अब वो ख़त्म हो गई है क्योंकि देश की जनता और कुछ चैनल जैसा कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ जैसे चैनल आज उनकी पोल खोलने में लगे हुए हैं, इसलिए अब उन्हें अपने आपस की लड़ाई को भूलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत समझदार है और इस बार जनता इनको सबक सिखा कर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।